हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतीश जैन और आपके लिए एक नया रिव्यू लेकर आया हूँ आज मैं ऑफ द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। नहीं, सॉरी, ऑफ द टोयोटा हाई राइडर। तो गाइज, ग्रैंड विटारा ले लो या हाई राइडर ले लो, दोनों एक ही बात है। बाहर से थोड़े से कॉस्मेटिक अपग्रेड्स हैं, अंदर मैकेनिकल्स बिल्कुल के बिल्कुल सेम है। स्टार्ट करें अगर हम की से भी, तो वो भी आप देख पाओगे टोयोटा छपा हुआ है, बट जो कीज है वो बिल्कुल मारुति वाली ही है। बस ये है कि जो ये वाला जो लोगो है, इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी है कि इसकी वजह से मारुति की गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा वेटिंग में बिकने लगी हैं। गाइस, जो ये वाली गाड़ी है मेरे को प्रोवाइड करी गई है बाय कार क्लब, तो अभी देख ही सकते हो कि जो हाई राइडर गाड़ी है वो अभी भी वेटिंग पे है। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल से 9 महीने की वेटिंग है इन कार्स पे, और ऊपर से जो डीलरशिप्स हैं वो ब्लैक में पैसे और ले रहे हैं सिर्फ आपको गाड़ी जल्दी देने के नाम पे। ऐसा नहीं कि कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, मोर ओवर ऊपर से पैसे और ले रहे हैं। तो गाइस, ये है गाड़ी का वी हाइब्रिड, मतलब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, एंड ये गाड़ी चली है सिर्फ और सिर्फ 800 किलोमीटर। तो मतलब आप देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर अभी अंदर जो सीटों के ऊपर पन्नी होती है वो भी नहीं उतरी है। गाड़ी बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू है और अवेलेबल है रीसेल के लिए प्री ओन्ड प्रीमियम कार डीलरशिप पे, डैट इज़ कार क्लब अशोक विहार न्यू दिल्ली। तो आपको स्क्रीन पर मैं नंबर फ्लैश करते हुए दिखा दूंगा, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो हाई राइडर लेने में, हाइब्रिड लेने में, तो आप ज़रूर उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड मोस्ट विल हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक से, रिव्यू में स्टार्ट करते हैं हम। तो आप देखोगे सबसे पहले हाई राइडर की बैजिंग लिखी हुई है, एंड यहाँ पे एक स्टिकर भी है अर्बन क्रूज़र का। जो फ्रंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉक्सी शेप में है, स्ट्रेट हुड है, जैसे ब्रेजा में होता था वैसी इसमें भी इन्होंने ये वाली डिज़ाइन लैंग्वेज कॉपी करी है कहीं ना कहीं, जिससे गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा SUV वाली लुक के अंदर अच्छी लगती है। ऊपर आपको यहाँ पे DRLs मिल जाएंगे, ये वाले LED DRL, या नीचे क्रोम की फिनिश है, क्रोम की यहाँ पे एक ग्रिल आ रही है। उसी के साथ जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो आपको नीचे मिलेंगी, जैसे आपकी MG हेक्टर, टाटा हैरियर, इन सब गाड़ियों में मिलती है कि नीचे अब हेडलाइट्स होने लगी हैं, ऊपर हमारे DRLs होने लगे हैं जो इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। उसी के साथ फ्रंट में आप यहाँ पे एक देख पाओगे फ्रंट कैमरा है जो पार्किंग में हेल्प करेगा आपको, बट मैं उसी के साथ देख पा रहा हूँ कोई भी सेंसर्स यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलती है, मैट फिनिश में नहीं मिलती है, एंड थैंक गॉड ब्लैक मैट ब्लैक में नहीं मिलती, क्योंकि उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। ऑन दी स्प्लिट साइड जो ग्लॉस ब्लैक वाली फिनिश होती है वो इजीली आप साफ़ कर सकते हो एंड कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड नीचे आपको एक ग्रे से कलर में, सिल्वर से फिनिश में स्किड प्लेट भी मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं अगर बताऊं कि कॉस्मेटिक्स कैसे, कार के एस्थेटिक अपील है इस गाड़ी के अंदर ज़रूर। साइड लुक में अगर हम बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको डायमंड कट फिनिश में, जिनकी अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो डैट इज़ 215/60R17। तो जो अलॉयज है उनकी लुक, फिनिश एंड डिस्क ब्रेक्स आपको साथ में मिल ही रही है। तो अब की बार इन्होंने जो अलॉय व्हील डिज़ाइन निकाला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकाला है, कहीं पे भी प्लेन एंड सिंपल नहीं है। वरना जो मारुति सुजुकी बलेनो आती थी उसके जो अलॉयज होते थे वो भी व्हील कवर जैसे दिखते थे, बट कहीं ना कहीं ये हाई राइडर है, टोयोटा के अलॉयज हैं, सेंटर में टोयोटा की बैजिंग भी है, तो इन्होंने अलॉय व्हील डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया। यहाँ पे आपको ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी सेल्स को तबूज करी, डैट इज़ हाइब्रिड ORVM से आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, एंड उसी के साथ यहाँ पे नीचे आपको कैमरा भी मिल रहा है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मिलता है आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। यू गेट रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द साइड्स, ड्राइवर साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे दोनों ही रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, जिससे आप कीलेस एंट्री आप अपनी यूज़ कर सकते हो। रेयर की तरफ बढ़े अगर हम कार की, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स और लाइट्स मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग लाइट्स वगैरह, टोयोटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग, एंड उसी के साथ राइट में वी हाइब्रिड जो मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी, वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना, मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, जो अभी आपको देखने में भी मैसिव ना लग रही हो बट अंदर जब हम चलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगेगा ये सनरूफ देख के। तो अगर हम कार की बूट को अनलॉक करें, तो पहले कार को एक बार अनलॉक करना पड़ेगा हमें। यस, कार के अगर हम बूट को अनलॉक करें तो आप देख पाओगे कि ये इतना बड़ा लिप क्यों है। तो लिप बेसिकली इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे नीचे रखा हुआ है इसका बैटरी पैक, तो थोड़ी सी आपकी स्टोरेज में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट स्टिल काफ़ी प्लेंटी अमाउंट ऑफ स्टोरेज है अभी भी इसमें, यूजेबल है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टोरेज खत्म हो गई है, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। राइट साइड में आपको एक लाइट मिल जाएगी विद 12 वोल्ट पावर सॉकेट एज वेल, तो अगर आप गाड़ी में रेफ्रिजरेटर वगैरह रखना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो इजीली, आपको कोई भी एक्सटर्नल पावर सॉकेट वगैरह लगवाना नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बूट को कर दें क्लोज और गाड़ी में अंदर की तरफ चलते हैं हम, तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं मारुति ने इम्प्रूव करा है पहले के मुकाबले, बट स्टिल अभी भी जो कोरियन राइवल्स हैं उतना मैच नहीं कर पाए हैं।
बट अगर हम बात करते हैं सेफ्टी रेटिंग की, तो जो मारुति सुजुकी ब्रेजा होती है वो भी 4 स्टार ले आती है, बट जो कोरियन राइवल जो वो नहीं ले पाते। डोर पैनल की बात करूँगा मैं अगर, तो यहाँ पे आप देखोगे सॉफ्ट टच फिनिश है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, ये डबल स्टिचिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर में काफ़ी सुंदर लगता है। क्रोम फिनिश में आपका डोर हैंडल है, सिल्वर फिनिश में आपके और एक्सेंट्स हैं कुछ। नीचे आपका यहाँ पे स्पीकर है, 1 लीटर वाटर का स्लॉट है, कुछ सामान रखने की जगह है। जो उसकी यहाँ पे जो वेलकम लाइट होती है वो कस्टमर ने चेंज करा रखी हैं। इफ़ यू कम टॉक अबाउट द रेयर सीट्स, देन इसमें 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहेगा। इस 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट काफ़ी बढ़िया बात है कि सेंटर पैसेंजर को कॉम्प्रोमाइज़ ना करके उसकी सेफ्टी और उसके कम्फर्ट को इन्होंने एक प्रॉपर हेडरेस्ट दे दिया है। कार में अगर हम अंदर चलें अब, तो कम्फर्ट, नी रूम, लेग रूम की बात करते हैं। इस टाइम पे मेरे पास बहुत ही कम लेग रूम और नी रूम है, वो इसलिए क्योंकि जो आगे वाली सीट्स है वो बिल्कुल पीछे हुई हुई है, मतलब मैक्सिमम पोजीशन जो उनका पीछे करने का हो सकता है वो उन्होंने कर रखा है। उसके बाद भी मेरी हाइट 6 फुट है एंड मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को कोई दिक्कत आ रही है। ये पॉली लगी हुई है क्योंकि नई गाड़ी है, तो मे बी आपको दिख ना रहा हो, बट मेरे पास लेग रूम बहुत ज़्यादा है, नी रूम थोड़ा कम है। अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, मैनेजेबल है, बहुत बढ़िया भी नहीं है और कहीं पे कमी भी नहीं लग रही है। उसी के साथ सेंटर में मेरे को यहाँ पे एक हेडरेस्ट मिल जाएगा, जिसको अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, अगर तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी हैं एंड काफ़ी आराम से इसमें 2 एडल्ट्स और एक छोटा बच्चा बीच में बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंटर में आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे और USB Type-C होने चाहिए आई गेस, एंड एक USB Type-A है और एक USB Type-C है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया करी है कि दोनों ही ऑप्शन दे दिए हैं, एज़ कम्पेयर टू कि सिर्फ USB Type-C दे दिया है, सिर्फ USB Type-A दे दिया, और 12 वोल्ट का तो बहुत ही बुरा लगता है मेरे को। पीछे से अगर फ्रंट की बात करें तो आप देख पाओगे ग्रैंड विटारा की याद आ रही है ना, बस ये टोयोटा का लोगो हटा दो, मारुति का लगा दो और ये पूरी ग्रैंड विटारा तैयार। ग्रैंड विटारा भी क्या, बलिनो ही तैयार। तो बस यही है, मारुति की पार्ट शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा है अपनी कार्स के अंदर। अगर हम चलते फ्रंट में गाड़ी के, तो फ्रंट में चलने से पहले हम हार्ट ऑफ द कार दैट इज़ द इंजन उसको अनलॉक कर लेते हैं, हुड अनलॉक कर लेते हैं और आपको गाड़ी का इंजन दिखाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लीवर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप हुड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम हुड अनलॉक करें तो इसके अंदर मिलता है आपको 1.5 लीटर का एन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसके साथ आती है, तो ये बैटरी के साथ काम करता है और आपको एक कम्बाइंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है 91 BHP एंड 122 NM ऑफ टॉर्क। तो अगर आप पावर फिगर्स की बात करोगे तो कार की पावर फिगर्स काफ़ी ज़्यादा कम है एंड आपको सैटिस्फैक्ट्री नहीं लगेंगी। बट अगर हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और सबसे पहले डोर पैनल की बात करते हैं, वो भी ड्राइवर साइड की, तो इसमें आपको यहाँ पे मिल जाती है पावर विंडो कंट्रोल्स विद ORVM कंट्रोल्स, सेम लेदर फिनिश में, सॉफ्ट टच में आपको यहाँ पे भी फिनिशिंग मिलेगी, 1 लीटर वाटर बॉटल का स्लॉट, मैगजीन होल्डर, क्रोम डोर हैंडल एंड वही आपका सेम फिनिश। राइट साइड ऑफ द डैशबोर्ड में आपको ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसपे स्टार्ट या स्टॉप नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है पावर। पावर लिखने का रीज़न सिर्फ एक यही है कि एक माइल्ड हाइब्रिड है तो वो बैटरी को पावर कर रहा है बेसिकली, इस वजह से इन्होंने पावर लिखा है। बट जो मेरे को चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे भी ये सॉफ्ट टच और ये लेदर फिनिश काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, और जो इसके राइवल्स है उससे ये बेटर फिनिश और फीलिंग दे रही है। नीचे आपको HUD कंट्रोल्स, 360 डिग्री कैमरा के कंट्रोल्स, HUD को कंट्रोल करने के लिए और बटन्स एंड हेडलाइट लेवलर। हम चलते हैं कार के अंदर एंड डोर क्लोज कर लेते हैं, कार को कर लेते हैं स्टार्ट एंड एग्जैक्टली कार हमारी स्टार्ट हो गई है। आप देख पाओगे रेडी लिखा आ गया, कार हमारी स्टार्ट है, मतलब आप ये मान लो कि ये जो विंड नॉइज है ना, इससे ज़्यादा तो गाड़ी के स्टार्ट होने की है आवाज़, क्योंकि हाइब्रिड है। बट क्योंकि इस टाइम पे हमारी बैटरीज चार्ज नहीं है तो इंजन पावर कर रहा है, बट नॉर्मली जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो इंजन पावर नहीं करेगा। अभी इंजन पावर ऑन हुआ है, जब स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट होता तब इंजन ऑन नहीं हुआ था, सिर्फ बैटरी पे ही गाड़ी चल रही थी सोलली। यहाँ पर आपको एक ग्राफिक भी बने आते हैं कि अभी इंजन बैटरी को पावर कर रही है, देखो आप बैटरी लेवल लो है ना, इसी वजह से इंजन ऑन हुआ है, वरना इंजन ऑन ही नहीं होता अनलेस और अंटिल रिक्वायरमेंट हो। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको MID के कंट्रोल सारे, क्योंकि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल्स, नीचे आपको कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन करने के लिए बटन, और साथ ही साथ ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर मैं MID डिस्प्ले की बात करूँ, जो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, तो आप देख पाओगे
नो डिस्प्ले है आपका, म्यूजिक वगैरह की इंफॉर्मेशन, वार्निंग मैसेजेस, सेटिंग्स, ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी, यूनिट्स, लैंग्वेज, टेम्परेचर यूनिट्स, डोर लॉक, पार्किंग सेंसर, गाइड मी लाइट, एंटी थेफ्ट, मतलब बहुत सारी, TPMS, आपको सब मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। टायर प्रेशर अभी जब हम ड्राइव करेंगे तो आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं क्या प्रेशर है कार का। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो यहाँ पे आपको ओडोमीटर, जैसे मैं कहता था सिर्फ 800 किलोमीटर्स ड्रिवन है, ये आपका ग्राफिकल आउटपुट में चार्ट की इंजन पावर कर रही है, बैटरी पावर कर रही है, एंड अब आप देखना है इसकी फ्यूल इकोनॉमी 22.5, ये अभी गाड़ी आइडल पे खड़ी है तो 22.5 की एवरेज आ रही है। ये कार की सबसे मेन हाईलाइट ये है कि अगर आप इसको नॉर्मली ड्राइव करो सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में, देखो ईवी लिखा गया ना, गाड़ी बिल्कुल साइलेंट होगी, अगर मैं एसी ऑफ कर दूं, जीरो नॉइज, लिटरली जीरो नॉइज है कार के अंदर। इट्स जस्ट लाइक यू आर ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल से बेटर मुझे क्यों लगती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली ना दिक्कत नहीं है कि आपको इतनी रेंज रहेगी चार्ज करनी है, इतनी रेंज रहेगी चार्ज करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अपना पेट्रोल टैंक रिफिल कराओ और चलाते जाओ, आपको बेनिफिट्स इलेक्ट्रिक के भी मिल रहे हैं और पेट्रोल वाली आपको टेंशन फ्री वाली ज़िंदगी मिल रही है कि आपको ये कोई टेंशन नहीं, ये चार्ज करनी है, ये करनी है, वो करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर की जगह चार्ज, इको और पावर लिखा हुआ दिख रहा है। राइट साइड में आपका फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर मीटर दिख जाएगा आपको। सेंटर की बात करें तो आप एक बड़ी सी टच स्क्रीन देख पाओगे जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है चलाने में, एंड उसी के साथ जो आपकी जो डिस्प्ले है बिल्कुल कॉपी करी गई है फ्रॉम द मारुति बलेनो, सेम यूनिट आती है उसके अंदर भी। रिवर्स पार्किंग कैमरा अगर मैं आपको इस कार का दिखाऊं तो आप देख सकते हो 360 डिग्री कैमरा आता है, जिसका काफ़ी अच्छा कैमरा है, नॉर्मल कैमरा है, टॉप ऑफ द टॉप नॉट्स तो नहीं है बट हाँ काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर राइवल्स। नीचे आपको ये पार्किंग लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए दो एसी वेंट्स, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाएगा, यूएसबी एंड 12 वोल्ट सिगरेट लाइटर के लिए स्लॉट, एंड नीचे आपको ये वायरलेस चार्जर भी मिलता है। सीवीटी ट्रांसमिशन उसी के साथ आपको इसमें मिल जाता है, काफ़ी स्मूथ है, सिटी ड्राइविंग कंडीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे ईवी मोड, ड्राइव मोड, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन तक मिल जाएगा आपको, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है और इस सेगमेंट की हर गाड़ी में आपको मिलना ही मिलना चाहिए। ईवी मोड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि अभी बैटरी चार्ज नहीं है तो हम अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। ड्राइव मोड्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे इको मोड, नॉर्मल मोड, पावर मोड, ये तीन मोड आ जाते हैं। सबसे पहले हम कार को इको में ही ड्राइव करेंगे तो अभी इसको इको में ही छोड़ देते हैं। दो यहाँ पे कप होल्डर्स, फिजिकल हैंड ब्रेक, सेंटर में एक आर्मरेस्ट, जिसको मैं अनलॉक करूँ तो छोटी सी स्पेस मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स, फिर से सेम फिनिश सॉफ्ट टच में आपको यहाँ पे मटेरियल्स और डुअल टोन में स्टिचिंग है, काफ़ी सुंदर लगती है। पैनोरामिक सनरूफ जो एक मेन हाईलाइट है, सबसे पहले हम उसको दिखाते हैं। तो अगर मैं एक बार इस सनरूफ को ओपन करूँ तो नॉर्मली ये वाली सनरूफ ओपन होती है राइट, बट नॉट एनी मोर। इस कार में आप देखो पीछे वाली सनरूफ तक ओपन होती है, और ये भी अभी मैक्सिमम नहीं, जबकि कितनी ज़्यादा खुल चुकी है, एक नॉर्मल पैनोरामिक सनरूफ देखती तो खुली चुकी है, ये और ओपन हो गई। तो आप देख सकते हो एक नॉर्मल पैनोरामिक सनरूफ से कितनी 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 ज़्यादा बड़ी है। तो एयरी फील, क्लॉस्ट्रोफोबिक, एयरी फील आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। तो हम करते हैं गाड़ी को ड्राइव अब और बताते हैं ड्राइविंग रिव्यू के बारे में। एंड ड्राइव करने से पहले जो एक दो चीज़ें रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, एक लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हैलोजन है, LEDs देनी चाहिए इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो आपका सन वाइजर है उस पे आपको एक वैनिटी विद लाइट, सेम गोज फॉर दी अदर साइड, ड्राइवर साइड पे भी आपको वैनिटी विद लाइट मिल जाती है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो वैनिटी विद लाइट पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर लेती है, बट ऐसा टोयोटा हाईराइडर या ग्रैंड विटारा में आपको नहीं मिलेगा। हेड्सअप डिस्प्ले भी आपको साथ में मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बैटरी लेवल इंडिकेटर, अभी कौन सी चीज़ किसको पावर कर रही है, जैसे व्हील बना हुआ है ना, तो अगर बैटरी से व्हील्स पावर हो रहे होंगे तो यहाँ पे एक एरो बना आ जाएगा, डिजिटल स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, एंड उसी के साथ अगर हम और चीज़ें सिलेक्ट करना चाहें, ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, एंड यही सारी चीज़ें आपको कुछ देखने को मिल जाती हैं। तो हम कार को करते हैं ड्राइव, तो इसमें दो तीन मोड आते हैं, बी डी, अगर ये फोकस हो जाए अब आराम से, हाँ जी, तो बी डी एन आर पी, बी मतलब होता है कि इसमें आपको जो ब्रेक है वो अपने आप लगेगी, सिंगल पेडल ड्राइविंग जिसको हम कहते हैं, एंड जब कार में ब्रेक्स इंगेज होंगी तो धीरे 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 बैटरी रिफिल होती जाएगी, हमारी चार्ज होती जाएगी।
ड्राइव इज नॉर्मल ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स एंड पार्क, कोई भी इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलता है इसमें सीवीटी ट्रांसमिशन में। एंड अगर हम इसको बी पे ही चलाते हैं ताकि मैक्सिमम टाइम्स बैटरी चार्ज होती रहे, एंड द मोमेंट आई रिलीज द ब्रेक जो कार है वो अपने आप क्रॉल कर रही है 6-7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो क्रॉल फंक्शन आता है। एंड अभी आप देख पाओगे इसको बैटरी पावर कर रही है व्हील्स को, तो अगर मैं थोड़ा सा थ्रॉटल आउट इनपुट करूँ तो कार बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है, जैसे एक ईवी कार होती है उस तरीके का रिस्पॉन्स है। एंड अभी हम इको मोड में ही, और अगर मैं आपको हल्का सा ही पुश करके दिखाऊंगा, जैसी ज़्यादा थ्रॉटल पुश करा इंजन ऑन हो गया, दोनों चीज़ें व्हील्स को पावर करने लग गई, एंड इंस्टेंट रिस्पॉन्स कार 90-100 की स्पीड बहुत इजीली अचीव कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर आपको बैटरी भी मिल रही है, इंजन भी मिल रहा है, तो दोनों एक साथ किक इन करके काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देंगे। 90 BHP आपको फील नहीं होगी। जो स्टेयरिंग व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, फील एंड फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है स्टेयरिंग व्हील का, बट आप देखो इको मोड में भी ऐसा रिस्पॉन्स है। बट हम इस कार को इको मोड में बिल्कुल सेनली चलाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो जो बी मोड है हमारा उसकी वजह से ब्रेकिंग हो रही है अपने आप, स्पीड्स कितनी जल्दी डिक्रीज हो रही है और बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। तो अभी इंजन ऑन हुआ है, एंड अभी जब हल्का सी चार्ज हो जाएगी बैटरी तो इंजन हमारा कट ऑफ हो जाएगा, एंड जो कार है वो प्योर ईवी मोड पे चलती रहेगी। एंड जैसी कोई बैटरी लेवल डाउन हो जाएगा तो अपने आप कार अपने आप को स्वैप करके वापस दोनों हाइब्रिडली ड्राइव होगी, जिसमें इंजन और बैटरी दोनों उसको पावर करेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टेयरिंग व्हील का बताया कि जो उसका फील एंड फीडबैक है काफ़ी अच्छा है, जो ओल्ड मारुति के स्टेयरिंग व्हील होते थे वैसा तो आज अब बनाता ही नहीं है मारुति, बट स्टिल नॉर्मल राइवल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील एंड फीडबैक इसमें मिल रही है आपको। और स्पेसिफाइड सिटी यूज़ के लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है, 360 डिग्री कैमराज वगैरह जब आपको मिल जाते हैं तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। उसी के साथ जो गाड़ी का सस्पेंशन है वो ऑन दी सॉफ्टर साइड है, क्योंकि ये गाड़ी कम्फर्ट के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है बिल्कुल भी ये व्हीकल। तो कोई भी अगर परफॉर्मेंस ढूंढ रहा है इस सेगमेंट में, इस गाड़ी, इन गाड़ियों में, तो उनको मे बी ये वाला इंजन और ट्रांसमिशन उनको सूट नहीं करेगा। ऑन स्प्लिट राइड अगर किसी को डेली कम्यूट करना है तो वो इस गाड़ी को बिल्कुल प्रेफर करेंगे। इसी वजह से इतनी वेटिंग बढ़ गई है इस कार पे कि एक एक साल की वेटिंग आ रही है। बाकी जैसे अभी हम ये रेड लाइट पे खड़े हैं तो आप देख पाओगे कि कार जो है वो ईवी मोड पे है, बिल्कुल साइलेंटली है, एयर कंडीशनर हमारा वर्किंग है, एंड स्टिल कार इंजन को रन नहीं कर रही है। यही ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कार जो है वो अपना फ्यूल बचाती है एंड आपको इतनी अमेजिंग माइलेज फिगर्स ला के देती है कि इस गाड़ी से आप 27-28 किलोमीटर्स पर लीटर सिटी के अंदर निकाल सकते हैं। एंड जहाँ तक मेरा आइडिया है और मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे नॉन में किसी ने वाली गाड़ी ले रखी है, तो कि वो 30-31 की एवरेज भी इन इंजन से निकाल रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। और हाईवे स्पीड की जो माइलेज है वो 27-26 के अराउंड आती है, बट सिटी में इनकी माइलेज और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम गाड़ी का जो मोड है वो यू टर्न लेके शिफ्ट कर लेंगे, एक बार हम पावर मोड भी चला के देखते हैं इसमें क्या है ऐसा कि ये 1.5 लीटर बिल्कुल ही डील ब्रेकर है या नहीं। तो हमने कार को कर लिया पावर मोड पे एंड इंस्टेंटली इंजन भी ऑन हो गया पावर मोड पे लगते ही, एंड बैटरी भी व्हील्स को पावर करेगी, बट इंजन बिल्कुल भी अब बंद ही नहीं हो रहा है। इवन तो बैटरी 2 पॉइंट चार्ज्ड है बट इंजन बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो पावर मोड है उसमें ECU को ये बता दिया कि मैपिंग चेंज कर लो, अब हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए, तो बैटरी और इंजन दोनों ही व्हील्स को पावर करेंगे। बट हमने अब जैसे पावर मोड लगा दिया तो हमारे पास खाली पैच नहीं है, तो हमें फिर से यू टर्न एक बार लेना पड़ेगा। खाली पैच ऑफ रोड जब आएगा तो हम फिर से एक बार पिकअप करेंगे कार को, पावर मोड में ही छोड़ रहे हैं अभी। एंड पावर मोड में स्टेयरिंग व्हील तो बिल्कुल फील एंड फीडबैक बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है कि कुछ हैवी हो गया है समथिंग लाइक डेट, कुछ भी ऐसा नहीं है। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी श्योर फुटेड है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर आता है, बट अंडर वेरी हैवी ब्रेकिंग, अगर आप हाई स्पीड में हैवी ब्रेकिंग करोगे तो कार हल्की सी नर्वस होएगी, राइट लेफ्ट हल्का हल्का मूव होएगी, एंड उसके बाद बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, बट हाँ अंडर हैवी ब्रेकिंग थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और जो इन गाड़ियों की राइवल्स है, डैट इज़ द Hyundai Creta, Kia Seltos एंड एवरीथिंग, जो Seltos मैं भी ओन करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली जो फ्यूल इकोनॉमी है उसमें तो ये बीट कर ही नहीं सकती, मतलब ये उनको बहुत आसानी से बीट कर देगी, बट नॉट ऑन द ड्राइविंग प्लेजर। तो हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, गाड़ी हमारी पावर मोड में है पहले की तरह, एंड इंस्टेंटली आपको एक किक मिलता है, जो CVT है वो हल्का सा टाइम लेता है, रबर बैंड इफेक्ट चलता जा रहा है, बट हाँ ये है कि
इको मोड से हाँ जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है थोड़ी। ब्रेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं मैंने बताया था, बस ये है कि अंडर हैवी ब्रेकिंग थोड़ी सी गाड़ी हो सकता है हल्की सी नर्वस हो जाए, हल्की सी स्लाइड हो जाए, इस वजह से बहुत हैवी ब्रेकिंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस कार पे आपको लगाने की। एंड मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है विद टाइम में भी ऐसा ना हो। तो गाइज यही था कुछ मेरा रिव्यू जिसमें मैंने आपको पूरा ड्राइविंग रिव्यू और जितनी भी गाड़ी के अंदर फीचर्स है वो सारे बताए हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ अर्बन क्रूजर हाई राइडर देन यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट कार क्लब, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख जाएंगी। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।